नमस्कार दोस्तों, मैं राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है साइबर मीडिया इंडिया लिमिटेड। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 9.35 रुपीज़ पे। ले चलता हूँ आप लोग को चार्ट पे, वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम मुझे रिटर्न दिया -91.17%, 5 ईयर्स ने रिटर्न दिया है -11.79%, 1 ईयर रिटर्न दिया है 306.52%। पिछले एक सालों में यह स्टॉक 3 गुना हो चुका है। ईयर टू ईयर रिटर्न दिया है 211.67%, 6 मंथ में रिटर्न दिया है -10.53%, 1 मंथ में स्टॉक ने रिटर्न दिया है 0%, 5 डेज में रिटर्न दिया है 1.63%, 1 डे में रिटर्न दिया 2.19%। दोस्तों, मैं आ गया स्क्रीन वेबसाइट पे, यहाँ पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे साइबर मीडिया इंडिया लिमिटेड का। तो चलता हूँ आप लोग को इसकी वेबसाइट पे। फाइनली वेबसाइट खुल गई है साइबर मीडिया इंडिया लिमिटेड की। जैसा कि देख पा रहे हैं काफ़ी खूबसूरत वेबसाइट बनाई इन्होंने, काफ़ी शानदार वेबसाइट है इनकी। यहाँ पे रिसर्च भी है, सर्विसेज भी है, फिर अबाउट साइबर मीडिया इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में जानकारी भी दी गई है यहाँ पे। काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनाई इन्होंने, डाटा क्वेस्ट, वॉइस डाटा, पीसी क्वेस्ट, काफ़ी कुछ जानकारी इन्होंने वेबसाइट पे दी है। इसकी जो ऑफिस है ये गुड़गांव NCR दिल्ली में है। आपको और जानकारी चाहिए दोस्तों तो वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं। जो मार्केट कैप है 14.3 करोड़ की है। इसकी जो करंट प्राइस है 9.15 रुपीज़ की है। 52 वीक जो हाई है 20.04 रुपीज़ का, 52 वीक जो लो है 2.30 रुपीज़ का है। स्टॉक की जो पी है 26.6 की है। की जो बुक वैल्यू है -8.76 रुपीज़ की है। यूनिट 0 की है, ROC 27.8% की है। ROE 0 की है, ROE की कोई जानकारी नहीं यहाँ पे। फेस वैल्यू जो है 10 रुपीज़ की है। दूसरे चार्ट है साइबर मीडिया इंडिया लिमिटेड का। जैसा कि देख पा रहे हैं स्टॉक ने पिछले एक सालों में काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। क्रॉस चेक करते हैं, कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ऐसी उम्मीद है, ऐसी अपेक्षा है कंपनी अच्छा क्वार्टर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, प्रदान करेगी। क्रॉस चेक करते हैं, कंपनी है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कम है। द कंपनी है डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -4.63% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है -4.63% की। पीयर कंपेरिजन चेक करते हैं, कंपनी जो काम करती है ऑनलाइन मीडिया के सेक्टर में काम करती है। इसकी जो इंडस्ट्री है इंटरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉफ्टवेयर की है। सेक्टर में जो नंबर 1 कंपनी है साइबर मीडिया इंडिया लिमिटेड। इस सेक्टर में कंपटीशन ही नहीं, कोई कंपनी नहीं है सेक्टर में, मोनोपोली है स्टॉक की सेक्टर में। अभी तो आप समझ गए होंगे स्टॉक में क्या करना चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं है इस सेक्टर में, खाली एक ही कंपनी है मोनोपोली स्टॉक की सेक्टर में। हम सब क्वार्टर ये चेक करते हैं। दिसंबर 2018 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो थी -1.63 करोड़ की, और सितंबर 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो है 0.29 करोड़ की। तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे बढ़ी हुई है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं, मार्च 2010 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो थी -2.82 करोड़ की, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट वो है -0.09 करोड़ की। तो यहाँ पर जो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें सुधार आया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स -7%, 5 ईयर्स -5%, 3 ईयर्स में है -1%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में 15%, 3 ईयर्स में 25%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में -5%, 5 ईयर्स में -5%,
उसके बाद 3 ईयर्स में है 11% रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। हम इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं, मार्च 2010 में जो इसकी टोटल एसेट्स है 110.11 करोड़ की है, और सेप्टेम्बर 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है 28.87 करोड़ की है। कंपनी की जो टोटल एसेट्स है उसमें कमी आई है। कैश फ्लो चेक करते हैं, मार्च 2010 में जो इसकी नेट कैश फ्लो थी वो थी -0.57 करोड़ की, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट कैश फ्लो है 0.97 करोड़ की है। कंपनी की नेट कैश फ्लो है वो बढ़ी हुई है। रेशियो चेक करते हैं, मार्च 2010 में जो इसकी ROC थी वो थी -1% की, और मार्च 2021 में जो इसकी ROC है वो है 27.82% की। तो कंपनी की जो ROC है वो बढ़ी हुई है। हमेशा शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं, दिसंबर 2018 में प्रमोटर्स के पास 53.47% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में प्रमोटर्स के पास 61.79% शेयर्स हैं। तो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है स्टॉक में बढ़ी हुई है। किसी भी स्टॉक में प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग तभी बढ़ाते हैं जब उन्हें लगता है कि जो कंपनी की जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव है, कंपनी भविष्य में अच्छा करेगी। दिसंबर 2018 में पब्लिक के पास 46.53% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में पब्लिक के पास 38.21% शेयर्स हैं। तब पब्लिक के शेयर होल्डिंग में कमी आई। तो दोस्तों, हमने डिटेल एनालिसिस किया साइबर मीडिया इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।